रहे हैं खेल जवानों का और मैं हूं आपका होस्ट तैमूर शकील। देखना होगा कि जीत का सहरा किसके सर जाएगा। बात होगी पीएसएल के हवाले से, पीएसएल में कौन सी टीम जीत रही है, कौन सी टीम हार रही है। आपको बता दें चले कि पहली टीम जो प्लेऑफ में आ चुकी है वो है मुल्तान सुल्तान। इसी के साथ पीएसएल की दीगर बातें भी होंगी, कौन है टॉप बॉलर, कौन है टॉप बैट्समैन, कौन स्कोरर है और कौन बोल्ड होता है, ये सारी बातें होंगी। लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद आप हमारे साथ रहिए। पीएसएल के हवाले से आज हम आपको अपने खुसूसी मेहमान, बहुत अच्छे दोस्त और हमारी रिपोर्टर अलिशबा समीर से मुतारिफ करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? यकीनन पीएसएल को भी आप फॉलो कर रही होंगी। पाकिस्तान में पीएसएल सबसे बड़ा इवेंट है, हर घर में धूम मची है पीएसएल के हवाले से। आप क्या समझती हैं पीएसएल में 6 टीम्स इस बार हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड, क्वेटा ग्लेडिएटर, कराची किंग, लाहौर कलंदर, मुल्तान सुल्तान, और भी टीमें इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं, आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? वैसे तो क्योंकि सारी टीम्स ही पाकिस्तान की हैं तो तकरीबन सारी ही मेरी फेवरेट हैं, लेकिन अगर मोस्ट फेवरेट की बात की जाए तो क्योंकि मैं कराची से बिलोंग करती हूँ तो कराची की। मतलब आपका सपोर्ट कराची किंग्स के साथ है, बाबर आजम के साथ है? जी जी। तो मतलब कराची किंग्स का आपने स्पेसिफिकली बोला कराची किंग्स का कि आपको बहुत पसंद है, उसमें बाबर आजम भी है, मोहम्मद आमिर जो बहुत टॉप क्लास बॉलर हैं, तो आप क्या समझती हैं कि कराची किंग्स की बॉलिंग लाइनअप, बैटिंग लाइनअप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है इस टूर्नामेंट में जीतने के लिए? क्योंकि इस टीम में मोहम्मद आमिर है तो मेरे ख्याल से बॉलिंग लाइन तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल, और हमने मैचेस में भी देखा कि मोहम्मद आमिर जब बॉलिंग करना शुरू होते हैं तो बैट्समैन के लिए अच्छी खासी मुश्किलें आ जाती हैं। जी जी, बहुत टफ टाइम देते हैं वो बैट्समैन। बिल्कुल चले, लेकिन एक चीज़ नज़रअंदाज नहीं की जा सकती, लाहौर कलंदर PSL 1, PSL 2, PSL 3, PSL 4 में लाहौर कलंदर की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन PSL 5 में अचानक लाहौर कलंदर बहुत अच्छा परफॉर्म करने लग गया, कंसेक्यूटिवली 3 मैचेस जीत गया, कराची किंग्स के साथ जीत गया, इस्लामाबाद के साथ जीत गया, पिशावर के साथ जीत गया। लाहौर कलंदर के हवाले से आप क्या कहेंगे? लाहौर कलंदर ने जैसे यू टर्न लिया वो तो बहुत ही अमेजिंग था, और मतलब अगर आप पहले मैचेस देखें तो मतलब आप ये सोच भी नहीं सकते थे कि वो टॉप 3 में आ जाएगा, मतलब टेबल में 3rd पॉइंट पे आ जाएगा, लेकिन जैसा उसने खेला है वो बहुत सारी टीम्स को टफ टाइम दे रहा है, तकरीबन सारी टीम्स। अच्छा, अगर लाहौर को देखा जाए तो लाहौर में जो परफॉर्मेंस है वो सारे इंटरनेशनल प्लेयर जो लाहौर में आए वो परफॉर्म कर रहे हैं, इस वक्त आप क्या समझती हैं? अच्छी बात है, इंटरनेशनल प्लेयर्स को जो है वो हमने चांस दिया है, और यहाँ पर जो है वो मतलब बहुत इंथुजियास्टिक हैं जो सारे ही लोग हैं, और एक बहुत अच्छा मैसेज जाते हैं दुनिया के लिए कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है, आप यहाँ पे आए, पार्टिसिपेट करें, खेलें। और इससे पहले भी हमने देखा कि दीगर प्लेयर्स आते थे। चले अब बात की जाए मैच के हवाले से, तो मुल्तान सुल्तान अभी तक वो पहली टीम है जो प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर चुकी है। आने वाले मैचेस होंगे अभी क्वेटा ग्लेडिएटर, कराची किंग, इस्लामाबाद यूनाइटेड,
और क्वेटा ग्लैडिएटर्स, मतलब इन सब के अभी मैचेस बाकी हैं। अब क्या समझती हैं दूसरी टीम प्लेऑफ में कौन सी होगी जाने वाली? वैसे मुझसे पूछे तो मैं तो यही चाहूंगी कि कराची किंग्स हो, लेकिन परफॉर्मेंस से ऐसा लगता है कि लाहौर कलंकर्स। बिल्कुल ये बोला जा सकता है। मोस्टली सर्वे जो हमने किया आवाम के बीच, आवाम की भी यही राय थी कि अब लाहौर कलंदर का जो एक सिलसिला शुरू हुआ है जीतने का, अब ये नहीं थमेगा। जी जी। और बात की जाए अगर PSL के हवाले से ही, हम स्पेसिफिकली इस बारे में बात की जाए, तो यंग टैलेंट भी बहुत ज़्यादा सामने आया है। जी, यंग टैलेंट को, अच्छा है कि हम यंग टैलेंट को प्रमोट कर रहे हैं। बहुत सारी ऐसी अकेडमीज़ हैं जहाँ से वो लर्न करके आते हैं और फिर आगे प्ले करते हैं। बिल्कुल, PSL में आते हैं और उसके बाद इंटरनेशनल में भी उनको मौके मिलते हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए, जैसे मेंस क्रिकेट टीम है हमारी इंटरनेशनल पाकिस्तान की, वैसे ही वुमेंस क्रिकेट टीम भी है, तो क्या इस तरह के इवेंट्स होने चाहिए ताकि वुमेंस भी आगे आए, लड़कियाँ आगे आए, अपने टैलेंट का इजहार करें और हमारी टीम में? आप क्या समझती हैं? मैं ये समझती हूँ कि जो वुमेन क्रिकेट टीम है जो है, उसे भी इस तरह से PSL में हिस्सा लेना चाहिए। उनकी अलग एक PSL की टीम बनानी चाहिए ताकि उन्हें भी अपना जो है वो प्रूव करने का मौका मिले कि वुमेन भी खेल सकते। बिल्कुल, क्योंकि अभी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात की जाए तो हमारी जो वुमेंस टीम है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। इनके जो मैचेस हैं इंडिया के मध्य मुकाबले, किसी के मध्य मुकाबले, तो बहुत अच्छे मार्जिन से जीते ये लोग। इस चीज़ को तो बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और PSL का फाइनल जो लाहौर में होने जा रहा है, आप क्या समझती हैं फाइनल कौन सी दो टीमों का होगा? क्योंकि अगर पिछले मैचेस देखे जाएँ तो मुल्तान सुल्तान तो जाहिर है, और जो है वो दूसरी टीम लाहौर कलंदर्स के ज़्यादा चांसेस हैं, वरना क्वेटा ग्लैडिएटर भी एक स्ट्रॉन्ग टीम है। बिल्कुल, लेकिन देखा जाए जैसे PSL 1 में इस्लामाबाद यूनाइटेड जीती थी, लोगों को बहुत ये बात थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड इस PSL में भी धूम मचा दी थी, लेकिन देखा जाए तो इस्लामाबाद यूनाइटेड इतना ज़्यादा नहीं खेल पाई जो एक लोगों ने अपना परसेप्शन बनाया हुआ था कि इस्लामाबाद यूनाइटेड आएगी वो क्लीन स्वीप करेगी, लेकिन ये नहीं हुआ। क्या इसकी वजह यह है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने अपना स्क्वाड चेंज किया, काफ़ी बॉलर्स छोड़ दिए, नए बॉलर्स लाए, बैट्समैन दूसरे खेलने, क्या ये वजह हो सकती है? इसकी एक वजह ये भी हो सकती है, और दूसरी बात ये कि एक लक पे भी डिपेंड करता है, हर दफ़ा तो एक ही टीम नहीं जीत सकती ना। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया लिश्मा समीर, हमारे साथ मौजूद थी, हमारी बहुत अच्छी दोस्त और बहुत अच्छी रिपोर्टर। मजीद आपको बताएं कि आप हमारे शो में किस तरह पार्टिसिपेट कर सकते हैं खेल जवानों का। इसमें आपको सिंपल एक काम करना होगा, सबसे पहले C110 न्यूज चैनल को YouTube पे और Facebook पे सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद आप अपने जवाब दीजिए कौन सी टीम जीतेगी, कौन सी टीम हारेगी और कौन होगा मैन ऑफ द मैच, और आप क्या क्या जीत सकते हैं आपको बताऊं। नज़ीर हुसैन यूनिवर्सिटी की जानिब से आपको लैपटॉप्स दिए जाएंगे, नाता फाउंडेशन और शाहबीबी हेल्थ केयर की जानिब से भी आपको दुबई का रिटर्न टिकट दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें चलूँ के PTE अकेडमी की जानिब से फ्री साइबर कोर्सेस, और आपको ये भी बताऊं कि पिज्ज़ा क्रस्ट की जानिब से धमाकेदार ऑफर, 40% डिस्काउंट आपको उनकी सारी ब्रांचेस पे मिलेगा। जो भी आप पिज्ज़ा खाना पसंद करें, मैं पिज्ज़ा लवर हूँ गाइस, कम ऑन। और बात की जाए दीगर की, तो एक्सपेंशन ब्यूटी सलून और उसके साथ नेहास गर्डी कॉर्नर की जानिब से भी आपको वाउचर्स दिए जाएंगे। आपको क्या करना होगा, सिंपली C110 न्यूज को YouTube पे और Facebook पे सब्सक्राइब कीजिए, अपने जवाब बजरिया कमेंट दीजिए और हमसे अपने इनाम आट ले जाइए, क्योंकि ये खेल है जवानों का।